আমি মানে কেন ওকে সুস্বাগতম হিন্দি কে বচ্চো কা কেজি ক্লাস মে স্বাগত হ্যায় তো বচ্চো হাম লোগ পেজ নাম্বার 45 কর রহে থে পেজ নাম্বার 45 জহাঁ হাম চার অক্ষরো বালে শব্দ সিখ রহে থে তো পিছলে ক্লাস মে মানে আপকো ফার্স্ট পহলে দো শ্রেণী কে জো শব্দ হ্যায় ও আপকো সিখায়ে থে আজ হাম লোগ বাকি কে কুছ শব্দ করনে বালে হ্যায় তো চলিয়ে পহলে হাম ইন শব্দো কো পড়েঙ্গে ঠিক হ্যায় তো পহলে লাইন মে খ ট প ট খট পট স র প ট সর পট চ ট প ট চট পট ঝ ট প ট ঝট পট ফ ট ফ ট ফট ফট অ চ ক ন অচকন ব চ প ন বচপন প চ প ন প চ প অ ন পচপন গ র দ ন গর্দন অ ন ব ন অনবন তো ইয়ে তিসরা অর চৌথা লাইন হ্যায় তো হাম আগর ইনকো হাম শব্দ কি তরহ লিখনা চাহে তো হাম ক্যা কর রহে হ্যায় হাম হর অক্ষর কো জোড় রহে এক কে সাথ দূসরে অক্ষর কো জোড় রহে জেসে খ কে সাথ হামনে ট কো জোড় দিয়া ট কে সাথ ফির হামনে খ কো জোড় দিয়া অর খ কে সাথ ফির হামনে ট কো জোড় দিয়া তো জব হাম এক সাথ ইন অক্ষরো কো লিখ রহে হ্যায় খ ট খ সরি চলিয়ে ইয়াহাঁ পে ইয়ে প হোগা ঠিক হ্যায় তো খ ট অর ইয়ে প ট খট পট খট পট আব হাম আগর কহে কি হাম আজকাল লিখেঙ্গে তো অ কে সাথ হাম চ কো জোড়েঙ্গে ফির হাম চ অ আর চ কে সাথ ক কো জোড়েঙ্গে ফির অ চ ক আর ন কো জোড়েঙ্গে অ চ ক আর ন কো এক সাথ জোড় কে হাম লিখেঙ্গে আর ফির পড়েঙ্গে ইয়ে সারে শব্দ হামনে এক সাথ জোড় দিয়ে অ চ ক ন আব এক সাথ পড়েঙ্গে আচকন আচকন ঠিক হ্যায় চলিয়ে আব হাম দূসরে শব্দ পে চলতে হ্যায় জেসে ব কে সাথ চ উসকে সাথ হামনে প জোড়া আর উসকে সাথ হামনে ন জোড়া তো ক্যা বন গিয়া ব চ প ন বচপন ক্যা বন গিয়া বচপন আচকন কা মতলব হোতা হ্যায় জিসে হাম শেরওয়ানি ভি কহতে হ্যায় জো জ্যাদাতর শাদিওঁ মে পহনা জাতা হ্যায় ঠিক হ্যায় বহুত রয়্যাল বহুত রাজকীয় লগনে কে লিয়ে লড়কে ইয়ে শেরওয়ানি পহনতে হ্যায় যা তাকে ওই দুলহে কি তরহ লগে ঠিক হ্যায় আর ইয়ে হ্যায় বচপন বচপন কা মতলব হোতা হ্যায় জব বড়ে ছোটে থে জেসে আপ আগর দাদা দাদি কে পাস ব্যাঠোগে উনকে সাথ আপ আগর কহিঁ কাহানি শুনে ব্যাঠোগে তো আপ को वो कहेंगे बचपन में पता है हम लोग ऐसा करते थे तो बचपन में मतलब जब वो छोटे थे उस वक्त की बात वो कर रहे हैं उनके बचपन की मतलब उनके छुटपन की बात कर रहे हैं उनके चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं जिसे हम इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं ठीक है बचपन उसके बाद चलिए हम लेते हैं और एक शब्द जैसे यहाँ पे हमें एक और शब्द मिला है जैसे प के साथ च जोड़ना और
प और न जोड़ना। तो यहाँ हम अगर सब सारे अक्षरों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा प च प न 55। ये 55 का क्या मतलब होता है? 55 का मतलब होता है 5 5 55। ठीक है, जो आपने मैथ्स में जो नंबर सिखा है ना, 5 5 55 5 10s 5 1s 55, राइट। तो ये जो नंबर है, ये जो अंक है, इसे हिंदी में 55 कहा जाता है। ठीक है, ये हिंदी का 55 है, इंग्लिश का 55 है और हिंदी का 55 है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द कौन सा है हमारा? अगला शब्द है ये। चलिए अब हम देखते हैं कौन इस शब्द का मुझे अर्थ बता पाता है। ग के साथ र, फिर हमने जोड़ा द और फिर हमने जोड़ा न, तो क्या बन गया? ग र द न, गर्दन। क्या बन गया? गर्दन, बॉडी पार्ट। ये जो है, ये है हमारा गर्दन, नेक, नेक। ठीक है, ये है हमारा गर्दन। तो चलिए देखते हैं, गर्दन। ठीक है, चलो अब हम लिखेंगे अगला शब्द। तो अगला शब्द है, चलिए कौन समझ पाता है? अ के साथ अगर हम न को जोड़ेंगे और उसके साथ अगर हम ब को जोड़ते हैं, उसके साथ अगर हम न को जोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा? अन बन, अ न ब न, अन बन। ठीक है, तो अ न ब न, अनबन। ठीक है, अनबन, अनबन यानी किसी के साथ किसी का मतभेद होना। आपकी सोच और उनकी सोच अगर नहीं मिलती है तो शब्दों के द्वारा हम क्या करते हैं? एक लड़ाई करते हैं। तो उन्हें, उसी को कहते हैं अनबन होना। ठीक है, उन्होंने कुछ कह दिया, हमने कुछ कह दिया, तो हम कहते हैं अरे मेरी वो जो सहेली है ना, उसके साथ तो मेरी इस सहेली का अनबन हो गया। अनबन मतलब वार्तालाप में कुछ खटपट हो जाना, कुछ ऐसा हो जाना जो दोनों को ही पसंद ना आई हो। उसकी वाणी उसे ना पसंद आई हो और इसकी वाणी उसे ना पसंद आई हो। ठीक है, चलो तो अब हम चलते हैं अगले शब्द की तरह, अगले लाइन की तरह। मैं थोड़ा ऊपर से रब कर देती हूँ ताकि आप सबको समझ में आए। चलिए अब हम करेंगे धड़कन। ये धड़कन क्या होता है? ध द क और न, यानी सबको एक साथ मिलाकर हम करेंगे धड़कन। धड़कन, धड़कन यानी हार्ट बीट। ओके, धड़कन यानी हार्ट बीट। यहाँ जो धक धक करता है ना हमारा दिल, जो हार्ट होता है, वो जो पंप करता है, उस समय क्या होता है? एक आवाज़ आती है, तो उससे हम हार्ट बीट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं धड़कन। ठीक है, चलिए तो धड़कन हो गया। उसके बाद है उ ल झ न, तो ये बन गया उ ल झ न।
उलझन, क्या बन गया ये? उलझन, उलझन, उलझन। फिर है, चलिए और एक शब्द ले लेते हैं, प के साथ ल के साथ ट के साथ न, तो सब अक्षरों को एक साथ मिला देते हैं। चलिए तो ये बन जाता है प ल ट न, पलटन। अब ये उलझन क्या है? उलझन है जिसे हम इंग्लिश में कंफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, हम क्या करें, ये वाला ड्रेस पसंद करें या ये वाला ड्रेस पसंद करें, इस पेंसिल से लिखें या इस पेंसिल से लिखें, ये चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाएं या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाएं, मुझे तो बहुत उलझन है। ठीक है, जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पसंद करना पड़ता है। अगर कोई आपको कहे कि आपको तो कोई एक ही पसंद करना है तो क्या हो जाता है, उलझन हो जाती है, क्योंकि आपको शायद उसमें से दो तीन पसंद है, तो आप इन दो तीन पसंद में से सबसे ज़्यादा वाला आपको कौन सा पसंद है, ये पसंद करना आपके लिए हो जाता है उलझन, कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए अब है पलटन। ये पलटन जो शब्द है ये हम सुनते हैं ज़्यादातर कहाँ पे, सैनिकों के लिए और बच्चों के लिए। ठीक है, हमारे जो सैनिक हैं उनको क्या कहते हैं, पलटन। जब वो बहुत बड़ी एक टीम में जाते हैं कहीं पे, बहुत सारे मिल के कहीं जाते हैं, तो उसे भी पलटन कहते हैं। ठीक है, मतलब पूरा एक ग्रुप, बैटालियन। ओके, और यहाँ बच्चों के लिए ये पलटन शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जब बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं या फिर खेलते हैं या फिर मस्ती करते हैं, तो मम्मी क्या कहती है, ये पलटन तो सारा दिन परेशान करती है। ठीक है, पलटन का मतलब होता है बहुत सारे, एक ग्रुप, पूरा एक ग्रुप। ओके, चलिए तो इसके बाद हो गया, अब क त र न। ठीक है, तो ये है क त र न, तो एक साथ मिलाकर क्या हो जाएगा, कतरन। ये कतरन क्या होता है, आपने चूहे देखे हैं? बिल्कुल, चूहों से तो हमें बहुत डर लगता है, राइट? लेकिन ये चूहे उनके दांतों से क्या करते हैं, कुतरते हैं, राइट? हाँ, जो कपड़े, कागज, ये कुतरते रहते हैं ना, ये जो कुतरने का जो उनका काम होता है उसे कहते हैं कतरन। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, सब कुतरते रहते हैं, और उनके जो बिट्स निकलते हैं, उनके जो पीसेस निकलते हैं, वो जो छोटे 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 दानों की तरह बना देते हैं, वही होता है कतरन। ठीक है, वो एक्टिविटी जो करते हैं। तो चलिए उसके बाद है अनशन। अ न श न, अनशन। ये अनशन क्या होता है, ये अनशन होता है अन्य ना लेना, मतलब एक प्रतिज्ञा लेना कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो हम अनशन करेंगे, मतलब अन्न नहीं खाएंगे, खाना मतलब अन्न, अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, उसे कहा जाता है अनशन। ठीक है, जैसे हमने सुना है कि बड़े बड़े जो देश के समस्याएं होती हैं, अगर वो नहीं सुनी जाती तो कुछ लोग क्या करते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो अनशन का मतलब क्या होता है, कि वो कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक उनकी बातें न सुनी जाए, उनकी मांगे न मानी जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं अनशन। अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो अनशन करते हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है,
उनको स्वास्थ्य की असुविधा हो सकती है, तो इसकी वजह से ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा कि किसी चीज़ की वजह से किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई अव्यवस्थित हो जाए, सारा सबको लगे कि इनकी तो कोई परवाह ही नहीं करता। तो इस वजह से ये अनशन, मतलब ये अनशन या सत्याग्रह का जो ये तरीका है, ये हमारे देश में शुरू किया था बापू ने, ठीक है, कि मारपीट या फिर जो हिंसा है उसके अतिरिक्त भी एक रास्ता निकलता है जो है सत्याग्रह। तो वो कभी कभी हम इस तरह करते हैं कि कोई हमें मारे तो हम मारेंगे नहीं, हम मार खाएंगे, ऐसे भी बापू ने किया था। उसके बाद कभी कभी बापू हमेशा ही अनशन पे चले जाया करते थे उनकी बात मनवाने के लिए, ठीक है। तो ये था अनशन। चलिए अब नेक्स्ट है परवल, अगला परवल। ये परवल क्या है? परवल, परवल है एक सब्जी का नाम, ठीक है, परवल है एक सब्जी का नाम, ठीक है। तो ये परवल की सब्जी आप सभी ने खाई होगी, मम्मी को आप दिखाएंगे कि ये परवल कैसा दिखता है, ओके। चलिए उसके बाद है दलदल। दलदल होता है एक कीचड़ का, क्या कहेंगे, छोटा सा एक जगह होती है, एक जगह में जहाँ बहुत सा कीचड़ होता है, अगर इसमें हम गिर जाएं तो ये नीचे की तरफ हमें खींचता है, इसे हम नीचे की तरफ खींचते चले जाते हैं, इसलिए इसे दलदल कहते हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए, जो हमें जंगलों में देखने को मिलेगा और जिससे हमें बचकर चलना होता है। तो दलदल यानी ऐसा एक कीचड़ का समूह होता है जिसमें अगर कुछ गिर जाता है, अगर कोई गिर जाता है तो वो नीचे की तरफ खींचा चला जाता है, तो इसे कहते हैं दलदल। दल दल, इसके बाद बच्चों मलमल। मलमल तो आप सभी को पता है, रेशम, जिस जो बहुत सुंदर दिखता है और बहुत नर्म होता है, जब हम उसे पहनते हैं तो उसे मलमल कहा जाता है। और हलचल, हलचल यानी काफी दौड़ा दौड़ी हो जाना, कोई काम होने पर, कोई घटना घटने पर, जब वहाँ पे सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं तो उसे कहते हैं हलचल हो जाना। या फिर इसके अतिरिक्त अगर कोई जगह बहुत शांत है और कोई आकर बहुत शोर शराबा करने लगे तो उसे भी कहते हैं कि बहुत हलचल हो गई वहाँ पे, ठीक है। और कटहल, कटहल तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कटहल एक फल का नाम है, ठीक है, कटहल एक फल का नाम है। तो आज हमने चार लाइनें पढ़ी, इनमें चार लाइनों का मतलब है पांच, यानी 20 नए शब्द सीखे। इन शब्दों के आपने अर्थ भी सीखे, आप इन शब्दों का अभ्यास करेंगे, अच्छे से इनका उच्चारण करना सीखेंगे और अर्थ के साथ इन्हें याद करना सीखेंगे। अगर आपको अच्छे से अर्थ याद हो गए तो आपको शब्द भी बहुत सहज तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज मैं अपना क्लास समाप्त करती हूँ, और आप सब खुश रहिए, अच्छी रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी की कामना करती हूँ। बाय बाय।